बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम ने मद्रास कैफे और सत्यमेव जयते से लेकर परमाणु और हाल ही में रिलीज हुई बटला हाउस जैसी फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई हैं। इससे पहले उन्होंने आज तक कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया था, लेकिन हाल ही में द गॉड हु लव्ड मोटरबाइक नामक पुस्तक के लॉन्च इवेंट में जॉन इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने इस पर टिप्पणी की कि आखिर अब तक केरल मोदी केंद्रित क्यों नहीं हो पाया है। एक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक मूल रूप से केरल के रहने वाले जॉन इब्राहिम ने जब पूछा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि उनका गृह राज्य अभी तक मोदी केंद्रित नहीं हुआ है, तो इस पर जॉन इब्राहिम ने कहा कि यह केरल की सुंदरता है। यहाँ पर हर 10 मीटर पर आप मंदिर, मस्जिद और चर्च देख सकते हैं, जो कि बिना किसी समस्या के शांति के साथ साथ रहते हैं। दुनिया में बहुत ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन केरल एक ऐसी जगह है जहाँ सभी धर्म और समुदाय इतनी शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। शायद इस वजह से ही केरल अभी तक मोदी केंद्रित नहीं हो सका है। इसके अलावा जॉन ने केरल की राजनीति को लेकर और भी कई बातें कही हैं। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने केरल में एक भी सीट नहीं जीती थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 20 सीटों में से 19 पर जीत हासिल की थी। केरल में भाजपा कभी भी सत्ता में नहीं रह पाई है। SPN9 न्यूज के लिए मैं भ्रमांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।